कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइली आपके यहाँ बहुत ही साथ का 83 परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुकी है और साथ ही स्टूडेंट आपके पास जान टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर जरूर याद करना, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं आप बहुत ही साथ पेपर में, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस पेपर को याद करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं 83 परीक्षा 2023-24 बहुत ही स्टार्ट, ठीक है। पूर्णांक आपको 70 नंबर कराने वाला, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 19 रहेगी, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, साथ ही पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है और दूसरा आपका निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तु प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 7 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिए, पूरा पेपर आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं और इस पेपर को आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट याद करना, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प आते हैं आपके 7 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका आपका ऑप्शन आता बनवटी में आर, वह आता बनवटी में आई स्क्वायर और साथ बनवटी में आर क्यू और दाता बनवटी में आर की घात 4। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, इसका आंसर आपका बा हो जाएगा बनवटी में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर दूसरा था आवेश 10 कूलाम से किसी चालक, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के व्यवहार में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, चालक की धारिता 5 फेराड रहेगी, 10 फेराड या 20 फेराड या 25 फेराड, तो इसका आंसर रहेगा आपका 5 फेराड, ठीक है। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन आता आधा, बा आता 2 गुना और सा आता 1/4 और दादा 4 गुना। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता धर्म आपकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने में बनता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वोल्टमीटर। फिर पांचवा आपका आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत विभाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो जो यहाँ पर कुंडली के प्रतिरोध रहता है उसी से स्वतंत्र रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत विभाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कुंडली का प्रतिरोध। अगर 6वां आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा एसी जनरेटर, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका 7वां आता है 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका आवेश। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के सही विकल्प जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद भी कर ली होगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्तियाँ पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। पहला आता धातु का पराविद्युतांक डॉट होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अनंत, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर अनंत आ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपका आने वाला अनंत। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है मूल आवेश का मान डॉट डॉट कूलम होता है, तो जो मूल आवेश का मान होता है आपका, चलिए आपका इसका आंसर रहेगा 1.6 × 10^-19, ठीक है। ये आपका रहेगा यहाँ पर इसका आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए मूल आवेश का मान 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। और दूसरा आता तीसरा आता किसी संधारित्र पर नेट आवेश कम होता है, इसमें आपका रहेगा कम। और चौथा आता किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका रहेगा आंसर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और पांचवा आता चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, इसमें आपका यहाँ पर लॉरेंज बल आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लॉरेंज बल कहते हैं। और पांचवा आता टेस्ला डॉट डॉट का मात्रक होता है, तो इसका आंसर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख लेना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और सातवां आता है LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री कलांतर होता है, इसमें आपका जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कलांतर होता है। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 7 नंबर के। आपका जो यहाँ पर टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के रेगिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सीढ़ी बनाइए, कॉलम ए और बी में आपके यहाँ पर दी गई सीढ़ी सही जोड़ी हुई 7 नंबर की है। पहले आती है चल कुंडली धारामापी, तो इसे आपका धारा चुंबकीय प्रभाव से मैच करना। और दूसरी आती है षष्ठी युग्म धारामापी, तो इसे आपको अमीटर से मैच करना। और तीसरी आती क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा धारामापी, तो इसे वोल्टमीटर से मैच करनी है।
चौथी आती है आपकी लॉरेंज वाली, तो इसे मैच करना आपको क्यू यू बी साइन थीटा। जो आपकी आती है पाँचवीं चुंबकीय फ्लक्स, तो इसे मैच करना आपको फाइव आर बी इंटू ए से। और छठी आती है चुंबकीय आघूर्ण, तो इसे आपको ई एम स्क्वायर से मैच करनी है। और साथ में आती ध्रुव प्रबल, इसे आपको ई एम से मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कम्प्लीट हो जाती है। जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। अब आपके एक साथ बाकी उत्तर दीजिए। सात नंबर के आते हैं, तो पहला आता किस प्रकार के अवैध समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो ये इसके आंसर वो हमने आप कॉपी में नोट करके रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं। पहले का आंसर रहेगा सामान्य रूप से आवेशित अनंत तल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसका मात्रक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट है ऊर्जा का मात्रक है। फिर आपका तीसरा था अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संबंध अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, चौथा आपका था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। फिर आपका पांचवा आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा लिखिए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा होता है वो होता है टेस्ला, ये हो जाएगा आपका पांचवें का आंसर। फिर आपका छठवां यहाँ पर आता है सौ प्रतिशत का ऐसी मात्रा लिखिए, तो यहाँ पर सौ प्रतिशत का ऐसी मात्रा होता है आपका हेनरी, छठवें का आंसर आपका हेनरी हो जाएगा। और साथ में आता लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो जो यहाँ पर देख ली लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से आपके एक सतबाक उत्तर कम्प्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख ली, दूसरे का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पाँचवें, ठीक है, छठवें का आंसर आपका हेनरी रहेगा, सातवें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके एक सतबाक उत्तर कम्प्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपके हमने पूरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए। अब आपके यहाँ प्रश्न पाँच आता है, तो इसका भी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती हैं, और अथवा आता विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया था दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो ये रहा इसका आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसका अथवा था किसी खोखली गोली चालक के अंदर व्यवहार नियत क्यों रहता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु व्यवहार समान होता है उसे संभव पृष्ठ कहते हैं। ये आपके यहाँ पर हो जाता है आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसका अथवा तो ओम का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सातवें का अथवा ओम का नियम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के अनुपाती होती है। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया ओम का नियम। और फिर आपका यहाँ पर आता है एम्पियर का परिवर्तनीय नियम लिखिए, दो नंबर का इसका अथवा आता है अमीटर और वोल्टमीटर कोई दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया एम्पियर का परिवर्तनीय नियम लिखिए, तो इसका आंसर देख लीजिए ये रहा एम्पियर का परिवर्तनीय नियम। तो जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर अथवा इसका आपका आंसर खुद करना, ठीक है। और प्रश्न नौवां आता है, तो प्रश्न नौ देख लीजिए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए, अथवा था फौलाद और लोहे की चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए, राउस का आंसर। अनुचुंबकीय पदार्थ आपके मैग्नीज प्लेटिनम रहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपके पारावायु, और लोह चुंबकीय पदार्थ आपके लोहा इस्पात। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। आपके यहाँ पर दसवां क्वेश्चन आता है फेराड की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, दो नंबर का रहेगा इसका अथवा दो कारकों के नाम लिखिए जिन पर वायु क्रोड कुंडली का 100% निर्भर करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, रहा उसका आंसर। तो आप ये आप उनका प्रथम नियम और ये द्वितीय नियम, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यवाही धारा से विद्युत अवगण क्यों नहीं होता है, और इसका अथवा था गुणता गुणांक क्यों क्या, इसके लिए सूत्र लिखिए। और बारहवें क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्यारहवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यवर्ती धारा से विद्युत अवगण क्यों नहीं होता है, तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बारहवें क्वेश्चन आता है चलकुंडी धारा में सूर्यता कैसे बढ़ा जा सकती है, इसका अथवा था पृथ्वी व्यवस्था शून्य क्यों माना जाता है, ठीक है। आप बारहवें क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तेरहवें क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका तेरहवें क्वेश्चन। और फिर आपका चौदहवां क्वेश्चन आता है और पंद्रहवां क्वेश्चन आता है केचॉप की नियम लिखिए उनकी व्याख्या की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर भी कराने वाले हैं। और पंद्रहवें का अथवा देख लीजिए, सोलहवां क्वेश्चन आपका आता है, सोलहवां क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और सत्रहवां क्वेश्चन देख लीजिए कि चला कि किसी गोली चला की धारिता के लिए सूत्र का निर्माण करो, अथवा आता समानता क्रम श्रेणी क्रम जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अठारहवें क्वेश्चन देख लीजिए, उन्नीसवें क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका उन्नीसवें क्वेश्चन,
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो आपके हमने दो दो नंबर के जो क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन करा दिया था, जो आपके तीन नंबर के क्वेश्चन, चार नंबर के क्वेश्चन, पाँच नंबर के, इनके सोल्यूशन आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक इन, बाय बाय।